लंबे समय से पर्यटक स्थल बंद होने के कारण अब लोग लॉकडाउन खुलते ही घूमने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ना लाजमी है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और कांगड़ा जिले में कोविड पॉजिटिविटी रेट अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इन दोनों जिलों की अगर बात करें तो पिछले 6 हफ्तों से लगातार कोविड पॉजिटिव रेट बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1 नवंबर से 7 नवंबर तक हमीरपुर जिला में कोविड पॉजिटिविटी रेट 6.6 और कांगड़ा जिला में पॉजिटिविटी रेट 6.1% दर्ज किया गया है। सितंबर माह के बाद ये पहली बार जब इन दोनों जिलों में कोविड रेट 6 से ऊपर चला गया है। ले लिया जाएगा और बच्चों का भविष्य है और भविष्य के साथ न्याय होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। बच्चे भी चाह रहे हैं कि अब हमको स्कूल जाना है, पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि अब स्कूल भेजना चाहिए, और मैं समझता हूँ बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ उसका, और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कह दिया है कि वो तैयारी रखे कि अब आने वाले समय में स्कूल खोलने की जो संभावना बनेगी उसके अनुरूप हम काम कर सकते हैं। मंडी जिला का पॉजिटिविटी रेट अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह में 5.2 तक पहुंच गया था, जबकि अब ये गिरकर 4.0 तक आ पहुंचा है। अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में मंडी जिले का पॉजिटिविटी रेट 3.8% था, जबकि दूसरे सप्ताह में 5.2, तीसरे सप्ताह में 5.0 था। चौथे और पांचवें दिन में इसमें गिरावट आई थी और चौथे सप्ताह में 4.0 और पांचवें सप्ताह में 4.2 था। अब मंडी जिला का पॉजिटिविटी रेट 4.0% है।